हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बाहर बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग एट होम। और मैं काफ़ी टाइम से कहीं भी नहीं गई हूँ, सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ सड़ रही हूँ। सो आई थॉट कि आज बाहर जाके माइंड फ्रेश होना ही चाहिए। एंड इट्स संडे टुडे, तो संडे के दिन तो बनता है। यस, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग। हम लोग एक बार लोनावला गए थे एंड सामने एक मिरर था और वो मुझे मिरर बिल्कुल भी नहीं दिखा। एंड वो मिरर को मैं जोर से ऐसे बैंग होगी और वो मिरर काफ़ी क्लीन था, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि मिरर है। एंड मैं काफ़ी स्पीड से थी चलते वक्त एंड पूरी टकरा गई मैं वो मिरर को। एंड उसके बाद ना, मतलब 2 सेकेंड्स के लिए ऐसे मुझे लगा कि मेरे नोज का जो बोन है ना, उसमें कुछ तो मतलब फ्रैक्चर वैक्चर ऐसे लगा, क्योंकि अनबेरेबल पेन था। फिर वो थोड़े टाइम बाद रुक गया वो पेन, लेकिन अभी उसे मतलब वो इंसिडेंट को अभी 5 to 6 months हो गए। नो, नॉट 5 to 6 months, एक्चुअली 1 year हो गया है। बट ना, मेरा इस तरफ का जो बोन है वो डे बाय डे टेढ़ा टेढ़ा होते जा रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया है। तो मुझे ना बोन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड ये चेक करना पड़ेगा ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड आई एम स्केयर्ड कोई मेजर वाला सीन ना निकले। आमने सामने समझ के आता है दिस यहाँ से टेढ़ा है थोड़ा सा। आई एम हैविंग 1 spoon ऑफ पीनट बटर विद अ बनाना। हमारे घर में जब भी सॉक्स नहीं मिलता, आई डू दिस, अलग अलग पहनना पड़ता है बिकॉज धुलने के बाद कभी सॉक्स कभी नहीं मिलते, नेवर। काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे एंड कमेंट्स आ रहे थे कि हम दोनों कैसे मिले, वो बताओ। गलती से नहीं तो झूठ बताओ या सच बताओ। झूठ क्योंकि राज को पता है इसमें उसी की बेइज्जती होने वाली है जो अगर सच बता दिया तो आपसे क्या छुपाना, शायद मुझे बता देना ही चाहिए। तो वी वर इन सेम कॉलेज 11th एंड 12th में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि राज नाम का कोई लड़का मेरे कॉलेज में है। 12th जब हम मतलब 12th की एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गई थी एंड मुझे ना इसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। एंड वो टाइम मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेट था, ये 6-6 साल पहले की बात है, शायद नहीं 5-6 साल पहले की बात होगी। कितने साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। 4 years, हाँ 4 to 5 years मे बी। अननोन का मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो मैंने इसका डीपी देखा था, ही वॉज वेयरिंग सस्पेंडर, क्या बोलते हैं, सस्पेंडर्स एंड बो पहना था एंड फॉर्मल व्हाइट शर्ट पहना था। तो मुझे इतना याद था कि मुझे तो याद भी नहीं तुझे क्या पहना था, तुझे याद है अरे तेरा डीपी का बता रही हूँ मैं, इसकी डीपी की बात कर रही हूँ मैं। इसने ऐसा डीपी, इसका इंस्टाग्राम का ऐसा डीपी था एंड तब मुझे याद है, हाँ कॉलेज में सारे बॉयज ने ऐसा ही सेम ड्रेसिंग किया था, तो इसलिए मुझे पता चला कि हाँ ये मेरे ही कॉलेज का है। तो मैंने फाइनली इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। तो उसने मुझे ना टेक्स्ट किया था एंड फिर मैंने देखा, नॉर्मल सा टेक्स्ट था, हाय हेलो वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये बोल रहा है हाय वी वर इन द सेम कॉलेज एंड मैंने इसको बोला हाँ मुझे पता है। तो ही वाज लाइक हाउ, तो मैंने बोला हाँ तेरा डीपी देख के मुझे पता चला, क्योंकि सारे बॉयज ने वैसे कपड़े पहने थे। तो उसके बाद मैं भूल गई यार, एक सेकेंड मैं एक चीज बोलती हूँ, ये बोला था हाँ मैं सोबर हूँ। सोबर लड़का किसी अननोन लड़की को मैसेज करता है, मैसेज करता है कोई अननोन लड़की को, डिसेंट वे में किया ना, हाय करके, बाकी कुछ नहीं किया ना। तो भी आगे बढ़ाना चाहते थे ना तुम कॉन्वर्सेशन, पहले तो मतलब राज चमड़ी था, पता नहीं और कितने सारे लड़कियों का मैसेज किया रहेगा इसने। हम दोनों एक कॉलेज में तो थे, लेकिन हम दोनों एक क्लास में नहीं थे। इसका अलग था, मेरा अलग था, और मेरा हैंग मतलब फ्रेंड्स मतलब जिन लोगों के साथ मैं हैंग आउट करती थी वो ग्रुप अलग था, और इसका हैंग आउट करने वाला ग्रुप अलग था। लेकिन मैं जिनके साथ हैंग आउट करती थी वो इसके दोस्त थे वो टाइम। लेकिन फिर इन लोग में कुछ तो झगड़े हो गए बॉयज में, फिर उसके बाद वो लोग मतलब उनका वो हो गया, क्या बोलते हैं, हो गया मतलब बॉयज में ब्रेकअप हो गया, फिर वो लोग बात नहीं करने लगे। तो मेरी इसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी वो टाइम। हमने इंस्टा पे बात किया और फिर उसके 6-7 दिन बाद तेरा बर्थडे था। नहीं, 15 दिन बाद था। तो फिर तू ही बोल रही है पूरा। 15 days बाद था मेरा बर्थडे। कुछ तो याद नहीं खुद को, ठीक है चलो लेट्स से 15 days बाद तेरा बर्थडे था। तो मैं चॉकलेट्स लेके आया तेरे लिए बर्थडे के दिन पे तेरे घर के नीचे। एंड वो टाइम अपन पहली बार मिले थे, वो टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले थे आमने सामने कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर, कॉलेज में कभी मिले ही नहीं थे, मैंने देखो कभी कॉलेज में देखा ही नहीं था। ये तब किसी और लड़की के पीछे था ना, वो लड़की मुझे पता है, नाम नहीं लूंगी। तो इसका टेक्स्ट आया था, नॉर्मल हमारी बात चालू हो गई एंड देन उसके 15 डेज बाद मेरा बर्थडे था, तब ये मुझे मिलने आया था पहली बार। हम दोनों कॉलेज में थे एक ही, लेकिन
तूने मुझे कभी देखा नहीं था कॉलेज में, क्योंकि मैंने तो कभी, अरे मैंने देखा था ना कोई तो अपना कॉलेज का कुछ तो इवेंट, तभी नाच रही थी पागल, दिख भी रही थी स्टेज पे इतनी छोटी। ए चुप बैक, मतलब फर्स्ट ईयर भी हम लोग एक ही कॉलेज में थे, मैंने ऐसे ही नॉर्मली मिलते थे, मतलब टाइम नहीं स्पेंड करते थे कॉलेज में कभी, हाई बाय होता था क्योंकि इसका टाइम भी अलग था और मेरा टाइम भी अलग था। एंड हाँ, हमारा कोच, हम लोग दोनों एक ही कोचिंग क्लास में थे, एंड तब भी इसका टाइम अलग था और मेरा टाइमिंग अलग था, मतलब जब मेरा क्लास छूटता था तब इसका क्लास होता था, तो हम लोग सिर्फ ऐसे ये आते वक्त में जाते वक्त हम लोग सिर्फ हाय बाय करते थे। एंड इसके बाद की स्टोरी मैं बाद में कभी बताऊंगी। कॉलेज डेज में राज ऐसे चमड़ी नहीं बोल सकते, स्टर्ड था ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब आवन जावन लड़कियों को देखता था। मेरे को एक बात बता, ये जो तू व्लॉग्स बनाती है उनका टाइटल क्या कहते हैं तेरा, ये वाले व्लॉग का टाइटल क्या है? नहीं, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं आप कैसे मिले कैसे। हाँ, नहीं तू हर टाइटल का नाम एक ही रख दे, रोस्टिंग राज वाधवानी, हर व्लॉग में मेरी बुराई होती है। वो तो बनता है यार, वो तो बन ही जाता है। रोस्टिंग राज वाधवानी हर वीडियो में ऐसे ब्रैकेट में लिखा कर। उसके लिए तो मुझे भगवान ने पैदा किया है, राज को रोस्ट कर। जब मैं इससे पहली बार मिली थी तो मुझे ऐसे लगा था ये काफी ज्यादा गया वाला है, गया गॉन केस पूरा, मतलब वो वैसे बॉयज नहीं होते एकदम वैसे वाले। हाँ। तो मेरे को लगा था वैसे ही है, तो मैं इसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप करने नहीं वाली थी। तेरे दोस्तों ने देखो मेरे बारे में बोला भी था ना, रिव्यूज भी दिए थे। हाँ, रिव्यूज इसके बारे में तो मुझे इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले थे वो टाइम, इतने प्यारे कि मैं इधर बता भी नहीं सकती ऐसे ऐसे रिव्यूज, लेकिन वो सारे रिव्यूज हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि राज की बेइज्जती हो गई, लेकिन वो रिव्यूज सारे बाद में मतलब मुझे गलत लगे। तो इसके और मेरे जितने भी कॉलेज टाइम के पिक्चर्स हैं मैं वो सारे इधर ऐड कर दूंगी। 12th स्टैंडर्ड के मेरे पास कोई भी पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि तब हम मिले ही नहीं थे एक दूसरे से, तो अभी भी सेम ही लगती है, कुछ चेंज नहीं है। ए नहीं यार, बिल्कुल भी सेम ही लगती है, क्योंकि मेरे बाल वो टाइम काफी ना, हाइट बढ़ी है, कुछ भी नहीं बढ़ा है, बस बाल चेंज हो गए। सिर्फ बाल चेंज हो गए, मेरे बाल वो टाइम ना काफी ज्यादा लंबे थे, काफी ज्यादा लंबे थे। एंड फेस कट भी अच्छा अलग था, या फिर शॉर्ट है? शॉर्ट शॉर्ट है, अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके हाइट से बड़े इसके बाल ही थे। वो एक में इसका रील चाहते हैं, पर्पल कलर का कुछ तो फ्रॉक था, ब्लू कलर का वो ऐसा भाग रही थी और पूरा बाल उड़ रहे थे पीछे। मेरी खुली खुली। जब हम कॉलेज में थे तब डॉल क्या करती थी पता है? तो पापा का कार चोरी करके आती थी। इसको चोरी थोड़ी बोलते यार, पापा की गाड़ी लेना, पापा को पता नहीं होता। ये वाला कौन सा, वो वाला कौन सा? सब अलग अलग है। डॉल है ना मशरूम, मतलब नो डाउट बहुत टेस्टी, डॉल के हाथ का मशरूम। हाँ यार, मेरे हाथ का मशरूम पहली बार तेरे खाओगे ना तो कभी भूलोगी नहीं कोई भी। ये खाना है, ये खाना है मेरा, तो ये इसने छोड़ा, ये इसने छोड़ा। नहीं नहीं, वो उसने तेरे लिए रखा है, मैंने छोड़ा था। क्यों लड़ रहे हो दोनों? किसको? ये डालने वाली, ये नहीं डालने वाली मैं, ये डालेगी तू। इसके ऊपर पैर भी नहीं जा रहे, इतनी मोटी हो गई है। चलो यार एक पिक्चर लेते हैं साथ में। हाँ। यार पिक्चर नहीं आ रहा है, चलो घर, मूवी नहीं जाना। ले पिक्चर, ले पिक्चर। कैमरामैन अपनी साथ वाली बोली। अच्छा। हूँ मैं, यू नो व्हाट, ऑलवेज आई फील लाइक कि मैं जैम हूँ दो ब्रेड के बीच में, बट आई एंजॉय। लेकिन हमें ये जैम चाहिए। जेरू Hi guys, we are back home and I have changed my outfit because मुझे comfortable होना था, and we are going to do a पानी पूरी challenge which will come on Soumya's channel, इसलिए मैंने थोड़ा comfortable पहना है ताकि मैं जल्दी जल्दी खा के मैं ही जीत सकूँ। जीतना भी है ना, तो comfort zone में आना जरूरी है। गलती से ऊपर से पूरी नीचे गिर गई। ही इज ईटिंग, वो भी चैलेंज का खा लूंगा मैं। उसे भी आना चैलेंज में। एंड आई एम फाइंडिंग दिस चैलेंज वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि अभी हम जब बाहर गए थे इतना ज्यादा ठूस के आए हैं, देन उसके बाद ये पानी पूरी वाला चैलेंज इज डिफिकल्ट, क्योंकि पेट में ऑलरेडी जगह नहीं है, एंड उसके बाद यू हैव टू ईट दिस पानी पूरी, कैसे होगा? फेवरेट फ्रूट ये साल की ये पहली स्ट्रॉबेरी है, आई जस्ट लव स्ट्रॉबेरीज। ये लिया लिया लिया, हाँ लिया ले लिया। अच्छा, अरे घेतले भी तुमच्या साठी, चल जाओ दे आता। बाइक चला लेगा लेकिन थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम। अरे बाइक को छोड़ो, कमोड में कैसे बैठे? कौन सी जेब में वॉलेट रखेगा?
ऐसे ऊपर खबर चुप कर के साथ कैसे जी रहा है भाई, सेक्स अपील चलेगी भाई तू मेरा है कॉमेडी बना रहा हूं मुझे। सोमा के चैनल पर जाके देखिए उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, तो जल्दी जाओ और उसके चैनल पर देख लो।